मुझे अगस्त, लेट मी गो, छोड़ो मुझे। चुप, खोलो मुझे, मेरे हाथ खोलो अगस्त्या। बाकी बेवकूफ नहीं है, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। हाँ ठीक है, समझता हूँ, मानता हूँ कि उसे अपने असली प्यार को पहचानने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, थोड़ा सा वक्त। तो क्या? I'll wait. तो मैंने इतने साल इंतजार किया, तो थोड़ा वक्त और सही दे देते हैं। बाकी को वो कौन? बाकी के आसपास तुमने कैमरा लगा के रखा, इसका मतलब तो बाकी को इतने सालों से स्टॉक कर रहे हो। यू क्रीम, और तुम इसे प्यार कहते हो? कि प्यार नहीं, पागलपन है, पागलपन यू सिक। पता है जब बाकी को पता चलेगा ना कि तुम ऐसे उसे चुप 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 के देख रहे हो, उसे कैसा लगेगा? तुमसे नफरत करेगी वो। She will hate you. जल्दी से सारी चेयर्स पे ये वाइट कपड़ा लगा दीजिए। वो बहुत लेफ्ट हो गया। थोड़ा सा राइट, तो थोड़ा सा और। हाँ, दैट्स इट। तानिया, सब जल्दी करवाना प्लीज। हो जाएगा बाकी, डोंट वरी। एंड यू नो, आई स्टिल कांट बिलीव इट, क्या मिस्टर सिंघानिया का कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं? देखा, यूनिवर्स मुझे कितना पसंद करता है। मिस्टर सिंघानिया, हेलो मिस्टर सिंघानिया। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, एंड आई प्रॉमिस टू डू माय बेस्ट। वेल, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। वैसे आपने अगस्त रायचंद जी को चीफ गेस्ट बनकर आने के लिए कन्विंस कैसे किया? जहाँ तक मुझे पता है वो कोई इवेंट अटेंड नहीं करते। अब एक्चुअली अगस्त को मैं काफी सालों से जानती हूँ। इंटरेस्टिंग, एक्सक्यूज मी। श्योर। तुमने बाकी को बेवकूफ बोला, ठीक है, तुमने उसको स्टूपिड बोला। मैं कैसे? मेरे पापा, तुम्हारे बाल, हाँ? You think she's stupid? She's बेवकूफ, right? That's what you said. बेवकूफ। वो बेवकूफ लगती है तुम्हें? हाँ, बेवकूफ लगती है वो तुम्हें? बेवकूफ लगती है तुम्हें? बेवकूफ समझती हूँ? मैं पागल हूँ? How dare you say things like that about her, about बाकी? जानती है ना कितना प्यार करता हूँ उससे? Dirty psycho! अस्तिया रायचन, तुम्हारी सच्चाई ना मैं बाकी और सारी दुनिया के सामने डाके रहूंगी। Just wait and watch. Yeah. Wait and watch. येलो आउटफिट में चलता फिरता मैंगो शेक लग रही हो। बाकी वो मेरी सच्चाई बताओगी? लेकिन कैसे? क्योंकि आज के बाद तो तुम उसे मिल ही नहीं पाओगे।
What are you doing here? तुम्हारे लिए कॉफी और अपने लिए बहाना लेकर आया हूँ। तुम बिजी इतना रहती हो कि तुमसे मिलने का बहाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। Well, thank you for the coffee और बहाना ढूंढकर मिलने आने के लिए। And for your information, यहाँ की UN planner से बहुत तगड़ी सेटिंग चल रही है मेरी। Oh, really? How nice. भाई। लगता है भाई सोए। Let me check. You know, right, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई without permission मेरे रूम में एंटर करे। लेकिन सब में और मुझ में डिफरेंस है ना भाई। And anyways, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंद दरवाजे के पीछे अगस्त्य रायचंद की एक सीक्रेट लाइफ छुपी है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सकता। अरे listen, क्या यार भाई, जब से आप वापस आए हो ना आपके पास मिलने टाइम ही नहीं है। वेयर इज दैट अगस्त्य जो मेरे साथ बैठ के हर एक हॉरर मूवीज देखता था, जिसने मुझे स्कूल में हर एक बुली से प्रोटेक्ट किया था और जिसके साथ मैं अपनी लाइफ की सारी सीक्रेट शेयर करती हूँ। वेयर इज ही? अरे मिस ड्रामा क्वीन, तुम्हारे अगस्त्य भाई आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। इट्स जस्ट दैट जब से मैं वापस आया हूं ना थोड़ा सा बिजी हो गया हूं। आई एम जस्ट बीइंग बिजी विद वर्क। व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज व्हाट? ओह, वहां से कुछ आवाज आई ना। एक सेकंड, तुम हॉरर मूवीज काफी मिस कर रहे हो, राइट? हम एक आध दिन में ना ये मूवी नाइट करते हैं, ऑलराइट? बट फॉर नाउ वी शुड गो। पर भाई वो टू ग्लासेस कहीं रूम में लड़की तो नहीं छुपा के रखी है ना? यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी बड़ी होती जा रही हो। दादी से कंप्लेन करनी पड़ेगी। वेरी फनी, नाउ गो। कंप्लेन करूंगा मैं दादी से, ओके? सीरियसली। युग, माय रूम नाउ। मैं कौन हूं? जिस इंसान को तुमने गुस्सा दिलाया है ना, उसकी परछाई हूं मैं। और अगर गलती मुझसे हो जाए ना तो सजा मुझे भी मिलती। तो तू क्या चीज है? वैसे बहुत बुरा हुआ तुम्हारे वालों के साथ। बड़े अच्छे बाल थे तेरे। चल। वही जहाँ कोई आता जाता है नहीं। प्लीज मुझे छोड़ो। देखो तुम जैसे कहोगे मैं वैसा करूंगी, बच्चे चाहने तो प्लीज। अरे क्या घीसे पीड़ा लोग बोल रही है तू? नहीं मतलब पुराने पिक्चरों में बोलते थे, मॉडर्न लड़कियां ऐसी नहीं बात करती है ना। देखो मॉडर्न लड़कियां ना वो क्या करती है, इंस्टा पे जाके हैशटैग यूनिवर्स लव्स मी, हैशटैग प्लीज आई एम माय फेवरेट, प्लीज बोल हैशटैग 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 डोंट किल मी हैशटैग लेट मी गो हैशटैग हैशटैग मजा आ गया। ये तेरा फोन है, तेरे जितने भी सोशल मीडिया के आईडी पासवर्ड है ना इधर लिख। सब डाल दिया, अकाउंट नंबर, आईडी, पासवर्ड, जो जो बोला सब डाल दिया। प्लीज मुझे जाने तो प्लीज। हलवा है क्या? ये तेरा आईडी पासवर्ड मैंने लिया है ना, कि तेरे मरने के बाद तेरे सोशल मीडिया से मैं पोस्ट करूंगा रोज, ताकि दुनिया को पता नहीं चले कि तू। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बच जाओगे? पुलिस तुम लोगों को ढूंढ ही लेगी।
हाँ चल, वो मैं देख लूंगा, ठीक है? लेकिन तुझे मरना पड़ेगा। पाखी को कभी पता नहीं चल सकता बॉस के बारे में। इल्ले बिल्ले कॉफी पी ले। तुम्हें तमिल आती है? नहीं तो, लेकिन तुम्हें लगा ना कि मुझे आती है? यही तो मेरा टैलेंट है। कैसी लगी? As usual, nice. चकाचक, ये देखिए। अब पता नहीं कौन लड़का था, लेकिन दोनों को देखते ही मैं समझ गया था कि ये खबर आप तक पहुंचानी पड़ेगी। अब आप भी तो हमारा इतना ख्याल रखते ना। इतने रिस्क वाला काम कोई और करता ना तो पता नहीं कितना बड़ा मुंह खोलता, चकाचक कितने पैसे मांगता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई है, आपने हमें और हमारी घरवाली को पाखी पे नजर रखने क्यों कहा भाई? बिना टेंशन लिए ये बात आप हमको बता सकते हैं? थैंक यू, इसकी क्या जरूरत थी? इतना तीखा है? एक, तेरी खबर पुरानी है। दो, अपने काम से काम रख, दोबारा मत पूछना। मैं उस पर नजर क्यों रखता हूं? अब पता नहीं और कितने दिन जीऊंगा मैं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? इतनी खमीज में इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं मुझे, इंसोम्निया, रात भर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, थक सकल्स देखो मेरे, हेल्यूसिनेशंस, जहां देखता हूँ तुम दिखाई देती हो, काम में मन ही नहीं लगता है अब मेरा, और सबसे ज्यादा सीरियस बीमारी तो दिल की हो गई है मुझे। सब कुछ इतना ब्यूटीफुल सा लगने लग गया है, जैसे 24 आवर्स मेरे आसपास एआर रहमान का म्यूजिक बज रहा हो। जिंदा छोड़ दो या मार दो। दुनिया में इतने कलर्स हैं, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था, और उनमें से मेरा सबसे फेवरेट कलर पता है कौन सा है? जिंदा छोड़ दो या मार दो। और मैं हर दिन बाकी के रंग में और रंगता जा रहा हूं। बताओ, बचने का कोई होप है? चलो मेरे साथ। कहाँ? यस बॉस। जो काम मैंने तुम्हें कहा था वो अभी करना है, राइट नाउ। देखो मेरे होते हुए ना तुम्हें कुछ होने नहीं वाला है, तो जब कुछ होने नहीं वाला है तो काम में मैं थोड़ा सा हाथ बटा दूं, क्योंकि आधे घंटे के अंदर मुझे सब तैयार चाहिए। चलो। फ्यूचर तो बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। चलो चलो जल्दी, ये टेबल उठा के इधर रखना है। हाँ मैडम, रुको। I so hate this. और उसको तो बताना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ सोचो, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी। ना थी, बताया नहीं कि वो लड़का भी वहां पे? लगता मम्मी से ज्यादा प्यार नहीं करती। खैर कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुन, क्या करना है वहां पे? ईशान जो है उसका काम तमाम करना है। बड़ा ही आसान काम है, मैं जैसे जैसा बोलते जाऊंगे वैसे वैसे करते जा, वो आज यहां से कहीं और की तरफ निकल लेगा। सुन, तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी मम्मी से मिलने जाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी मम्मी को कुछ मत कीजिए। तो फिर फोन चालू रख और मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा कर। सारा काम तो तुमने मुझसे करा लिया।
So, तुम्हारा इतना सारा काम करने का गिफ्ट तो मिलेगा ना मुझे? अच्छा, गिफ्ट चाहिए? क्या तुम्हारी हेल्प करने? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आने बहुत लेट हो जाएगा। एम्बुलेंस ऐसे आएगी ना, मैं शान को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी और जब तक शान ठीक नहीं हो जाता ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। बहुत जोर से लग गई है शान को, डोडो बहुत जोर से लगी है। शान प्लीज आई, प्लीज आई, आंखें खोलो, आंखें खोलो। डोडो बहुत डर लग रहा है मुझे। शान ठीक हो जाएगा ना डोडो? कुछ होगा नहीं ना शान को? अगर शान को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी डोडो? तुझे उससे दूर करने के लिए इतना कुछ कर रहा हूं मैं, फिर भी तू उसी के साथ रहने की बात कर रही है बाकी। ये तो गलत बात है। हमें उनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। दादी डोडो ठीक है ना?
बहुत खून बह रहा है, क्या खून करोगे दादी, खून करोगे? ढूंढो ना दादी, प्लीज नहीं ढूंढो, से बात करवाओ ना, ठीक है ना दादी, ढूंढो, हेलो। बाकी बाकी एम्बुलेंस आ गई है, प्लीज 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 इसे उठाइए, उठो। क्या क्या हुआ अगस्त्या को? उसे एक्सीडेंटली गोली लग गई है सन, बहुत खून बह रहा है। What? तुम जाओ उसके पास, क्या क्या कर रही हो? Are you mad? मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत लोग हैं मेरे पास, तुम जाओ। मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारा अगस्त्या के पास होना जरूरी है बाकी। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें लग गई है, वहाँ डोडो को लग गई है, I just don't know what to do. Telling you, I'll be fine. Go, go. Are you sure? You can understand ना दादी, अकेली है, वो संभाल नहीं पाएंगे ये सब। सानिया, ईशान के साथ ही रहना, एक मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना ईशान को, और मुझे सारी अपडेट देते रहना। Be careful. संभाल के, मैं कॉल करती हूँ, ठीक है? ढूंढो। हेलो, मैं जिंदा हूँ, शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे यार तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हें जानबूझ के गिराया हो। सॉरी ईशान। अरे तान्या, सॉरी किस बात का, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, रिलैक्स, इट्स ओके। ईशान, वो मैंने तुमने क्या मेरी वजह से क्या ये जो भी हुआ है ना, ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। What? तुम्हारी वजह से? ध्यान से। Sorry. हॉस्पिटल से एम्बुलेंस निकल चुकी है, पहुंचती होगी। आती है, हमें बता दीजिए। नवीन, हमारे हाथ कांप रहे हैं, आप कोशिश करिए। डोडो, भागे नीचे। डोडो, बाकी अच्छा हुआ आप आ गई। दादी मैं मानती हूँ, आप आ जाइए, मैं मानती हूँ। डोडो, क्या किया तुमने? दिलासा, हम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, धीरे से धीरे से पानी, धीरे से। डोडो डोडो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, इधर देखो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।